किन्नौर जिले के रिकांगपियो में निर्माणाधीन हिमालयन प्रोजेक्ट में मजदूरी करने वाले जिला चंबा के सलूणी क्षेत्र के युवकों 15 युवकों पर मुसीबतों का पहाड़ गिर चुका है। इस मुसीबत की घड़ी में शासन प्रशासन कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। पीड़ित युवकों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव तो सही है, लेकिन उन्हें तो सड़कों पर भूखे पेट भटकना पड़ रहा है। संबंधित कंपनी ने प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित लॉकडाउन के चलते युवकों को काम बंद कर घर जाने के लिए कहा है, जिसके चलते दो दिनों से वे निरंतर पैदल चलकर यहां वहां आवाजाही कर रहे हैं। युवक घुमारमी शहर से गुजरे थे। जब युवकों से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। उन्हें मालूम नहीं कि कब तक वो अपने घर में पहुंच पाएंगे। पीड़ित युवकों गगन हेमराज ने बताया कि दो दिन पूर्व उन्होंने भोजन किया है, वह दिन रात सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। युवकों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी सहायता के लिए प्रति प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला है। मेरा नाम गगन है, मैं अपने चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम लोग जो थे, मतलब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमालय में वर्क कर रहे थे, वहाँ से हम लोग को जो है घर के लिए भेज दिया गया है। और मतलब बड़ी मुश्किल से हम लोग दो दिनों से जो है आज मतलब यहाँ घुमारवी में पहुँचे, और ऊपर से जो है बारिश भी है, और हमारा जो है मतलब जाना बहुत ही असंभव हो गया है। और मैं अपने मतलब अपने जयराम जी से मतलब निवेदन और आशा कुमारी जी से भी करता हूँ कि हमारा मतलब कुछ जाने का मतलब प्रावधान करें। और मतलब ये कि हमारा कोई खाने पीने का भी कोई वो नहीं है, जो हम मतलब पिछले कल वहाँ जो नाश्ता करके आए हैं उसी में आए अभी तक है। हमारा कोई भी मतलब कुछ हमें जाने के लिए मतलब बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है।